लेकिन 0% ऑयल है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। बाकी थोड़ा दिन हो ही गया और सुबह अभी तक सो रही है, तो चलिए सीधा मैं आपको जिम से आने के बाद में आने का। और चलिए गाइस मिलते हैं। तो गाइस देखिए ये डॉग कैसे घूमते रहते हैं और मेरे पीछे आ जाते हैं ये लोग। नहीं यार ये उधर तक जा रहा है ना पूरा। ये देखिए वही तो पूरा वहां तक गया है पूरे पैसे में। किस का आ रहा हूँ कोई लिफ्ट तुसे कोई आएगा सीधा स्लिप हो जाएगा। चलिए तो गाइस देखिए हमारी दीदी आई है कल रात को। तो क्या हो गया दीदी शादी शुदा है। अनु इधर देखना, ये बेचारी कितने साल की हो गई, 6-7 साल की, 7 साल में अभी 8 साल की हो गई, अभी तक आवाज नहीं सुनी मैंने इसके। साइलेंट मोड पे हो जाती है यहाँ आके। अब तू डालेगा इसे? डालूंगा और क्या। तो गाइस देखिए ये अपना नया वाला ब्रिज है और वहां से ट्रेन जा रही है और यहाँ पे चलिए। तो गाइस देखिए बच्चे लोग आए हैं और यहाँ पे बन रही है ये मैगी। अरे नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स। और वहाँ पे क्या कर लिया हो, क्या कर लिया हो तुम, ले आओगी दीदी है सब लेगी, तू चलेगी सब मेरे। तू चलेगी सुन। वैसे चला चम्मच एक हाथे चक्कू एक हाथे ऐसे उठा उठा चला उनका। हाँ वैसे वैसे फैल फैल वैसे ऐसे ऐसे करना। दीदी को सिखाई मैगी बनाना। मैगी नहीं है ये नूडल्स हैं। ये तेरी गर्दन तो कच भी ना है रे अनु। तो देखो दोनों भाण जी खा रही हैं मैगी। कैसी लग रही हैं, हैं कैसी लग रही हैं? अरे बोलो अनु, तू बोल। सन्नू ने बोले कैसी लग रही है? अच्छी। सन्नू कैसी लग रही है? अच्छी। वाह दोनों खा रही हैं भाई। तो बहुत गर्म है ना, खाओ खाओ खाओ। अभी दीदी आ रही है तुम्हारी छोटी वाली, अभी खाएगी। चलिए लेने कोई से नहीं चाहिए। अच्छा मैं शब्द को ट्यूशन से ले आई और इसको आज फोटो वोटो खिंचवा के लाए इसके ना। आगे के लिफ्ट लिफ्ट भी आ गई। चलो 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 सब देख मम्मी।
तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? घर पे तो कोई नहीं, घर पे सब लोग गए हैं शादी में। मेरा सुबह से मन था जाने का, लेकिन पता नहीं एंड टाइम पे क्या हो गया, मन ही मेरा ये हो गया कि नहीं जाना तो नहीं। मन ही मन के ऊपर सारी चीज़ है गाइज। सुबह से था मेरा जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि क्योंकि जिम जा रहा हूँ, अगर जाके क्या करूँगा, सब ऑयली वॉयली, और वहाँ जाते हैं तो खाना पड़ता ही है, और कुछ खा नहीं सकते। मन करने लगता है खाने का। तो अभी तो मैं फिलहाल घर पे ही अपना बना रहा हूँ बॉयल, ये देखिए एग करी बनाऊँगा और रोटी बनाऊँगा मस्त वाली। मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ गाइस, वहाँ जाता और देखता सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर टेस्ट करता तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, इसलिए अब मैंने कर दिया स्किप आज का। सुबह से तो था मेरा जाने का, पापा भी बोल रहे थे जाने के लिए, तो इसीलिए मैं बताऊँगा आप लोगों को आने वाले कुछ ब्लॉग्स में कि मेन रीज़न क्या है। और मैं अब बनाऊंगा एग करी विदाउट ऑयल, ऑयल यूज़ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करूंगा। तो चलिए यहाँ पे अपना ये हो गया गर्म गर्म, तो उसमें डाल देते हैं एग। इनको होने देते हैं बॉयल, तब तक अपना ये मसाला कर लेते हैं ग्राइंड। 1 2 3 तो गाइस ग्राइंड हो गया है, अभी सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ और आपको दिखाऊँ ज़ीरो ऑयल यूज़ करके आप कैसे करी की सब्जी बना सकते हैं। चलिए इसके लेते हैं अपन कढ़ाई, ये भी ले, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए आप, टेंशन नहीं लेने का। ये अभी इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा वेर इज जीरा, वेर इज जीरा, जीरा कहाँ गया, ए जीरे किधर है, ये रहा जीरा। सारा मसाले निकाल लेता हूँ इस फटाफट फटाफट, ऑनियन हो गया, मिर्ची, हल्दी तो चलिए गाइस अभी स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें डालना। तो अब आप लोग देखिए टाइमलेस, ये पानी मैंने रखा है बॉईल करने के लिए, बॉईल हुआ पानी इसमें डाल दूंगा मैं सीधा यहाँ पे। लोग ये पानी डालो फिर पकाओ, जैसे अच्छा पका हुआ पानी पहले ही डाल दीजिए। तो ये देखिए यो, चलिए टाइमलेस में एंजॉय कीजिए आप लोग, चलिए बनने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट। गाइस देखिए कितना धुआं उठने लगा है, ये होता है बिना ऑयल नहीं डाला है इसमें, और ये भुनने लगा है देखिए जीरा। ये देखिए गाइस, ये ना बहुत ही टेस्टी बन जाएगा बिना उसके ऑयल के। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, इसमें सिर्फ करी वाली सब्जी बन सकती है। ये इसमें ये थोड़ा सा और भुनने के बाद मैं ये मसाला डाल दूंगा, बाकी ये सब मसाले इसमें, मसाले भूनने के लिए ना थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल पानी ऐड कर सकते हैं आप लोग। और गाइस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वाह, नोबडी इन द हाउस सी दिस।
अरे जीरा बच गया, जीरा बच गया, जीरा बच गया। आवाज देख रहे हैं आज कैसी आ रही है, छोटी छोटी सी। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च, ये गई हल्दी, थोड़ा सा नमक। ये देखिए इसी तरह से इसको थोड़ा भून लेना आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा बस जीरा ज़्यादा हो गया, बाकी और कुछ नहीं। बाकी इसको पकने देते हैं और जैसे फाइनल बन जाता है प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ फिर। बाय गाइस, बाय बाय। तो गाइस देखिए ये बन चुकी है अपनी सब्जी विदाउट ऑयल, 1% भी ऑयल यूज़ नहीं किया इसमें। और चलिए फटाफट अब रोटी बना लेते हैं, उसके बाद खाने के टाइम पे मिलते हैं। बाय। रेडी है और ये आपको मैं बता दूँ 0% क्या, एकदम 0 0 0 इसमें ऑयल तो है ही नहीं। ये देखिए बिना ऑयल के है। तब तक अपन टीवी चला लेते हैं और एक बाइट आपको मैं दिखाता हूँ खा के कैसा बना है विदाउट ऑयल। रोटी भी गरम गरम है और ये देखिए ऐसा लग रहा है ऑयल है इसमें, लेकिन 0% ऑयल है गाइस। एक नंबर, मस्त मज़ा आ गया। आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम। चलिए मैं खा लेता हूँ इसको, फिर मिलता हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।